हेलो, आज की मेरी वीडियो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर है कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग आप शुरू कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है आजकल? ऑनलाइन मार्केटिंग में आप पैसे बनाने के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप चीज़ें बना सकते हो लोगों के लिए, कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हो अपनी, या तो आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, यही दो अच्छे तरीके हैं मार्केटिंग के, या तो प्रोडक्ट बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो। बाकी जो भी चीज़ आपको लोग बोलते हैं कि सर्वे भरो, हाँ, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये हो जाएगा, 50 रुपये मिल जाएंगे, फिर आप किसी और दो लोगों को इनवाइट करोगे तो 50 रुपये और मिल जाएंगे, ऐसे करते रहो तो आप अरबपति करोड़पति हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सब कचरा है, उन्हें छोड़ दो, कचरा है छोड़ दो, बात खत्म। सर्विस प्रोवाइड करो, प्रोडक्ट बेचो, तभी कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो सर्विस प्रोवाइड करो पे आते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसी चीज़ सीखो जिससे कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, और जो लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो लोग कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है वो नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, अब वो बिजनेसमैन है तो अच्छा एजुकेटेड होगा, ठीक है, और वैसे ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बिजनेसमैन एजुकेटेड पर्सन ही हो, लेकिन ज़्यादातर जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो इतने ऐसे तो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वेबसाइट बनाना और ये सब चीज़ें तो जानते ही हैं कॉमनली, तो ठीक है वो जानते हैं, लेकिन वो उनके पास और भी बहुत काम है। मैं और लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, बड़े अहदे पे हैं, और लेकिन वेबसाइट वगैरह बनाना जानते हैं लेकिन वो नहीं बनाना चाहते। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके लिए उनकी वेबसाइट बना दे, ठीक है, जो उनका काम आसान हो जाए। तो अगर आप वेबसाइट बनाना सीख लेते हो, सर्विस प्रोवाइड करके किसी के लिए वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करके आप पैसे कमा रहे हैं। और ऐसी चीज़ें हैं लोगो, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, जैसे कोई यूट्यूबर है तो वो अपनी वीडियो एडिट कराना चाहता है, तो अगर आप वीडियो एडिट करना जानते हैं तो आप पैसे ले सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई बेचारा कंगाल यूट्यूबर है उसके लिए वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वो आपको करोड़ों रुपये दे देगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी से ही शुरुआत होती है, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 1500, 10,000, ऐसे ही चलता है। चार्ज करें, डिपेंड चार्ज करें ऐसे लोगों पे जो जितना दे सकते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी जितनी है, उनकी कैपेबिलिटी जितनी है, तो पहले वेबसाइट बना के आप दे सकते हैं सर्विस और पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा है प्रोडक्ट बेच के, प्रोडक्ट बेचने पे आएंगे, अभी मैं सर्विस प्रोवाइडिंग की और आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सर्विस प्रोवाइडिंग का जैसे लोगो हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप टेक्स्ट को उल्टा सीधा फॉन्ट के साथ खेलना सीखिए फोटोशॉप पे, सर्विस प्रोवाइड कीजिए। वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं आप, बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बहुत इजी हो गया वेबसाइट बनाना। वर्डप्रेस के लिए मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि बिल्कुल शुरुआत से आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो, ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज हैं, कुछ इलीगल काम ना करें, ऐसा कुछ भी ना करें जो इलीगल है, लीगली सब लोगों की हेल्प करें, लोगोज दें, चीज़ें बनाना सीखें, खुद से चीज़ें बनाना सीखें और लोगों को फिर वो चीज़ें बना के बेचें, क्योंकि उसमें लागत कम लगेगी और थोड़ी मेहनत होगी, वो चीज़ जो एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया वो आप लोगों को बेच सकते हैं, ऐसे आप पैसे बना सकते हो। यही एक सही और काम करने वाला तरीका है जो काम करता है, ठीक है। कस्टमर्स कैसे लेने हैं ये अलग चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि आप ऑनलाइन क्या बेच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बारी है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कहाँ से लें। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी होलसेलर से जाके बहुत सारा सामान अपने घर में इकट्ठा कर लें फिर उसको ऑनलाइन बेचें, नहीं, प्रोडक्ट डिजिटल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जो लोग डाउनलोड करें और उसके लिए आपको पे करें। यस, आप इन्फॉर्मेशन बेच सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ जानते हैं या कुछ सीखते हैं या कुछ लिटरेचर में कुछ लिखते हैं, कविता, पोएम या कुछ भी ऐसे क्रिएटिविटी करते हैं आप, तो उसको आप डिजिटली फॉर्म, डिजिटली ई बुक्स के फॉर्म में, अगर आप ज़्यादा टेक्निकल हैं तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब के फॉर्मेट में बेच सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा आसान नहीं है, गूगल के पास पूरा आंसर है, सारे आंसर गूगल के पास हैं, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि हाउ टू मेक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन एंड हाउ टू मेक HTML टेम्पलेट्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ई बुक लिख सकते हैं, अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं, आप कुछ ऐसी गेम्स की टिप, स्पोर्ट्स की कोई टिप जानते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी बुक लिखिए, ई बे पे, अमेजोन पे ई बुक्स बेच दीजिए, लोग वहाँ से ख़रीदेंगे, और वो डिजिटल जो चीज़ है उनका ये फ़ायदा होता है कि वो कितनी बार भी बिक सकती हैं, लोग कितनी बार भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जितनी बार भी डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि
सही में, सही मायने में अगर आप इंटरनेट से पैसा बनाना चाहते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वो दो ही चीज़ें जो काम करेंगी। पहली, आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, आप मदद कीजिए, लोगों की चीज़ बना के दीजिए, ठीक है, हेल्प कीजिए लोगों की, अपनी सर्विस, अपनी नॉलेज के दम पर आप लोगों की मदद करें, ठीक है। नॉलेज पहले आपको गेन करनी पड़ेगी, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा पैसे बनाना। गधों की तरह वो जो सर्वेज वगैरह होते हैं और जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो सब करना छोड़ो। 50-50 रुपए के पीछे अपने तुम दिन ख़राब कर रहे हो, टाइम जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। इतनी 50 रुपए के लालच छोड़ के आप उतने समय में कुछ सीखिए। इंटरनेट है सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए नहीं है, बहुत चीज़ें आप यहाँ से, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करने आप बहुत ही अच्छा तरीका। और प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बनाइए, या आप ट्रेड शोज़ में जाइए। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं ना, इंडिया में ट्रेड शोज़ होते हैं, लोग अपनी अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह लाते हैं, दिखाते हैं, तो वहाँ से आप होल सेल में खरीद सकते हैं और उनको फिर रिटेलिंग में, मतलब, और उनको बेच सकते हो, एक एक इंडिविजुअली बेच सकते हो हाई प्राइस में, जैसे 50 रुपये के, 100 रुपये के बेच सकते हो किसी चीज़ को। जो हैंड बैग हैं वो दिल्ली में हैंड बैग्स पूरा थोक में मिलते हैं, आप उनको खरीदिए, फिर उनको ऑनलाइन आप बेचिए। ऑनलाइन एक छोटा सा स्टोर बना दीजिए, वेबसाइट, एक वेबसाइट और अपने प्रोडक्ट्स की एक बना दीजिए, पूरी कंपनी बन गई, बिजनेस बन गया, बहुत सिंपल है। 50 पीस बैग के उठाए थोक में, होलसेल में, एक वेबसाइट खड़ी की, उसके फोटो खींच खींच के वेबसाइट पर डाले, एक स्टोर चालू किया, फेसबुक पर फैलाया कि ऑनलाइन खरीदो, लोग ऑर्डर करेंगे, उनके एड्रेस पर शिप कर दो, ठीक है, बहुत ईजी है। और वेबसाइट बनाना तो आजकल बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। और ई कॉमर्स साइट कैसे बनानी है, अगर आप पर्सनली मेरे से लेना चाहते हैं क्लासेस, तो मैं आपको बता सकता हूँ फ्री, मैं कुछ आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मैं ऐसे वक्त पर पहुँच चुका हूँ, ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका हूँ कि अब मुझे लोगों से सर्विसेज के पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं सक्षम हूँ। पहले मैंने ऐसे ही शुरू किया था, तो मैं चाहता हूँ लोग, इंडिया वाले, आगे बढ़ें, कुछ करें, ऐसी भी कोई एक, मतलब, लाइफ होती है, प्रोफेशन होता है। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप आज मैंने कवर की, प्रोडक्ट सेलिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग। ट्राई करके देखिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आंसर दूंगा। गुड बाय।